हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन द शहीद प्रमोद बीएड कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस. आई एम सुजाता बिफोर यू एंड एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी आर डिस्कस अबाउट कोर्सेज, कोर्स विच इज C1 इन विच वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट एंड वी आर टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना. तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने थोड़ा सा परिचय के रूप में लिया इंटरेस्ट को, है ना. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा रिकॉल करूंगी 2 मिनट एंड देन आफ्टर हम आज के क्लास को कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, रुचि क्या होती है. एक्चुअली रुचि जो है वो हमारे इंटरनल पावर को कहते हैं. रुचि हम अपने इंटरनल पावर को कहते हैं जिसके कारण कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बहुत उत्सुक होता है ना, है ना. ये एक एज अ कैटलिस्ट काम करता है हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, है ना, और हमारे जीवन को समाज में उतारने के लिए. हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारी आंतरिक शक्ति ही है जो हमें परिचालित करती है, हमें ड्राइव करती है किसी कार्य को करने या ना करने के पीछे. ये एक बहुत बड़ा कारण है रुचि. रुचि इट इज़ अ वेरी बिग फैक्ट टू पॉलिश आवर पर्सनैलिटी ऑल्सो. देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग, वट वॉज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट. देन इंटरेस्ट जो है हम लोगों ने देखा था, इंटरेस्ट इज अ इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर रुचि, है ना. इंटरेस्ट है वो इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है रुचि का. किसका? रुचि का इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इंटरेस्ट. और ये जो आया वो एक लैटिन वर्ड से आया था विच वॉज इंटरेस्ट विच वॉज इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट का जो मीनिंग था वो था, स्टाउट महोदय के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था एंड रॉस महोदय के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था, और उसी से हम लोग जान पाते हैं कि ये इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है. तो स्टाउट महोदय ने जो इंटरेस्ट का मीनिंग दिया वो इट मेक्स अ डिफरेंस, कि विभिन्नता. अगर आप किसी वस्तु को पसंद करने लग जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली एंड डायरेक्टली वो आप उस वह वस्तु जो है वो अन्य वस्तु से भिन्न हो जाता है. किसके लिए? आपके लिए, या वो उस पर्सन के लिए जो पर्सन जिस चीज़ को लाइक कर रहा है वो ऑटोमेटिकली उसके लिए स्पेशल हो जाता है ना. दैट विल बिकम वेरी यूनिक पार्ट. तो स्टाउट महोदय के अनुसार इट मेक्स अ डिफरेंस एंड रॉस महोदय के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि इट मैटर्स और इट कंसर्न, है ना, ये संबंधित. अब देखिए, अगर आप या कोई बालक किसी चीज़ को लाइक करता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा संबंध रखने लगता है, हर पक्ष को वो जानने लगता है, ठीक है. देन आफ्टर हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन में भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें डेफिनेशन में एक वर्ड आया था अवधान, है ना, अटेंशन. अब अटेंशन के बारे में ये वर्ड जो है वो इंटरेस्ट को जानने और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोगों ने अटेंशन के बारे में जाना था कि किसी भी उत्तेजना के प्रति जो हमारी चेतना होती है, द कंसनेस अबाउट एक्साइटमेंट और वाइस वर्सा, और एक्साइटमेंट अबाउट कंसनेस, मतलब किसी भी जैसे कि किसी चीज़ में आपको बहुत रुचि है तो उसके आप हर पक्ष को जानना जब चाहते हैं तब जाके वो आपका ध्यान उस पर जाता है और ध्यान से देखते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होता है. तो वो जो ध्यान है और रुचि है वो दोनों आपस में बहुत कोरिलेट करते हैं. देन आफ्टर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया था, जिसमें मैकडूगल था कि ध्यान से संबंधित. फिर ड्रेवर महोदय का था कि उन्होंने बोला था कि ये एक डायनामिक है, मतलब क्रियात्मक है. हमारी जो प्रवृत्ति है वो डिस्पोजिशन को लाइक करती है, डिस्पोजिशंस एंड देन इट रिलेट्स टू डायनामिज्म ऑल्सो, है ना. तो ड्रेवर ने रुचि को बोला था कि किसी भी प्रवृत्ति के प्रति जो हमारी क्रियात्मकता और गतिशीलता या गत्यात्मकता होती है वही हमारी रुचि है, कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं. ये था ड्रेवर महोदय का, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया था. देन डेफिनेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. एंड फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. देन कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने 2-4 देख लिए थे इनके. अब हम लोग आते हैं टाइप्स पर. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. एक है इनबॉर्न इंटरेस्ट, है ना, एक इनबॉर्न, और दूसरा अक्वायर्ड इंटरेस्ट. देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब बच्चे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण किया और बहुत परीक्षणों के आधार पर यह जानने की कोशिश की कि आखिर रुचि है वो आता कहाँ से है, इसका क्रम क्या है और इसका विकास कैसे होता है. तो उन लोगों
उन्हें मनोशारीरिक, एक वर्ड आया मनोशारीरिक साइकोफिजिकल, इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने, है ना, और बोला कि ये जो हमारा रुचि है वो भी हमारे व्यक्तित्व की तरह क्या है, हमारे व्यक्तित्व की तरह ही वो भी इसमें भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ काम करती हैं और इन्वायरमेंट, ये दोनों का इक्वली समायोजन है। हमारा इंटरेस्ट भी है वो अगर इनबॉर्न है, अगर हमारा रुचि अगर एक्वायर्ड है तो वो वातावरण से प्रभावित है, अगर इनबॉर्न है तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित है, है ना। तो इस तरह उन्होंने पाया कि ये दो वर्ड और इसके अलावा हमारी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, डेफिनेशन में हम लोगों ने अटेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, है ना, कि अटेंशन जो है वो हमारे रुचि को किस तरह प्रभावित करती है, या रुचि से हमारा अटेंशन, से हमारा ध्यान कैसे प्रभावित होता है। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा जो कि इनबॉर्न इंटरेस्ट में है, वो है आपका मूल प्रवृत्ति। अब ये मूल प्रवृत्ति क्या होती है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग एक्वायर्ड इंटरेस्ट पे आएंगे। सबसे पहले इनबॉर्न इंटरेस्ट। इनबॉर्न इंटरेस्ट में एक वर्ड है, इनबॉर्न इंटरेस्ट में एक वर्ड आएगा मूल प्रवृत्ति, है ना। हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है या जो ये इनबॉर्न जो इनबॉर्न इंटरेस्ट है जिसको हम लोग जन्मजात प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। जन्मजात प्रवृत्ति यह मूल प्रवृत्ति से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है, और ये जो मूल प्रवृत्ति है वो जन्मजात शक्तियों को बोलते हैं जो हमारे जन्म के साथ आती है और हमारे मरने के बाद ही जाती है हमारे साथ। तो ये मूल प्रवृत्ति के बारे में एक मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल, उन्होंने 1908 में ऐसा बोला था कि मूल प्रवृत्ति वर्ड का उन्होंने एक प्रिंसिपल के तौर पे 1949 में लाए, लेकिन सबसे पहले मूल प्रवृत्ति वर्ड का जिन्होंने उदय देखा, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रयोग किया, इस वर्ड को सामने लाया, वो थे विलियम्स ड्रेवर ने इस वर्ड को सामने लाया एंड देन मैकडूगल ने अपना प्रिंसिपल लाया किस पे, जन्मजात प्रवृत्ति, है ना, जो मूल प्रवृत्ति होती है उस पे। और इन्होंने मूल प्रवृत्ति को बोला कि ये 14 प्रकार की होती हैं जिससे हमारा संवेग है वो परिचालित होता है। मूल प्रवृत्ति पे हमारा संवेग आधारित होता है, और चूंकि मूल प्रवृत्ति से संबंधित है हमारा जन्मजात प्रवृत्ति जो कि इंटरेस्ट का एक टाइप है, है ना। तो उस जन्मजात प्रवृत्ति को जानने के लिए इसमें 14 कुछ दिए, जैसे कि अगर बच्चे को भूख लगती है तो वो खाना खोजेगा, तो जो भूख लगना हुआ वो हो गया संवेग, और खाना जो खोजा जो कि क्रियात्मक कार्य है वो उसका इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो हमारा जो इनबॉर्न इंटरेस्ट है वो दोनों मिला जुला कार्य करती है। तो मैकडूगल ने अपने एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एक बुक का उनका नाम था, उनमें उन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में चर्चा की। एंड देन आफ्टर उन्होंने क्या किया कि तीन मूल प्रवृत्ति के, या फिर यूँ कह लीजिए कि इंटरेस्ट के तीन पक्षों को रखा, जो कि था भावना, संवेग, और थर्ड वन था मूल प्रवृत्ति। पहला था क्या, भावना, दूसरा संवेग, और तीसरा मूल प्रवृत्ति। इसको ऐसे समझिए, भावना जो हमारे मन में जो विचार आया, है ना, जैसे कि अगर आप खाने के बहुत शौकीन है तो अगर कुछ खाने की इच्छा हुई मन में तो वो हमारी भावना हो गई। देन संवेग, उसको उन्होंने बोला कि संवेग वो है अगर आपने उस चीज़ के बारे में किसी से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, अपने मम्मी से पूछा, अपने भाई बहनों से पूछा, तो वो आपके संवेग को दिखाया कि चलिए आपको भूख लगी है या फिर आपको कोई चीज़ को खाने की इच्छा हो रही है। देन अगर उस चीज़ को आप खाने के लिए चले, है ना, या फिर खा रहे हो, तो वो मूल प्रवृत्ति यानी कि क्रियात्मक, हमारे भावनाओं, हमारे संवेग का जो क्रियात्मक रूप होता है उसको हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जो कि हमारा पहला टाइप है जन्मजात प्रवृत्ति, उससे रिलेट करता है। जन्मजात प्रवृत्ति, अगर हम इंटरेस्ट रुचि में जन्मजात प्रवृत्ति की बात करें तो इसमें है क्या कि इसका मेन जो थीम है जो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ, एक सुपर महोदय थे, उनके अनुसार सुपर महोदय ने इसको कैटेगराइज किया था बेसिकली टू पार्ट्स में, और दूसरे पार्ट्स को भी इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले उन्होंने, इनका भी यही मानना था कि ये जो जन्मजात प्रवृत्ति है
वो हमारे मूल प्रवृत्ति से रिलेट करती है, और हमारा जो मूल प्रवृत्ति है वो है कि सहज ही कोई कार्य हो जाना, जिस चीज किसी मूल प्रवृत्ति व जो हम किसी को कि, उसके लिए हमें कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे जन्म के साथ ही वह आता है ना। तो जन्मजात प्रवृत्ति वो हो गई, जैसे कि ऑटोमेटिकली बच्चे को अगर भूख लगती है तो वो खाना मांगेगा ही, है ना। या फिर मतलब किसी भी चीज़ को देख के अगर आपको एक्साइटमेंट होता है तो वो आपने कहीं सीखा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, है ना। या फिर आपको डर ही लगता है, डर लगता है, या फिर लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हैं वो इनहेरिटेड है, इनबॉर्न है आप में, आपने कहीं से उसको सीखा नहीं है, है ना। कोई क्वालिटी अगर है तो वो भी आप में इनहेबिटेड है। तो मूल प्रवृत्ति से यही है, और जो हमारा इंटरेस्ट आता है किसी वस्तु को देख कर या किसी के प्रति, वो हमारा मूल प्रवृत्ति के कारण ही आता है, है ना। तो पहला टाइप जो हमने देखा वो जन्मजात प्रवृत्ति थी, जिसके अंतर्गत सुपर महोदया की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि रुचियों के प्रभाव पर जहाँ एक ओर जन्मजात अभियोग्यता एवं अंततः स्रावी ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है, है ना, वहीं सामाजिक पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इन दोनों कैटेगरी को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया था कि दोनों का प्रभाव इक्वली पड़ता है। देन फिर उन्होंने माना कि कुछ वस्तुओं को हम लोग इस तरह से सीखते हैं कि जो पहले से है, फिर कुछ वस्तुएं और कुछ चीज़ों के बारे में हम वहाँ से जानकारी लेते हैं जो हमारे फ्रेंड सर्कल से आता है या किसी दूसरे से, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम स्वतः ही सीख जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, अतः इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि रुचियाँ जो है, इन सारी चीज़ों को जान लिया तो रुचियों को हम लोगों ने दो टाइप को देख रहे हैं, जिसमें पहला है जन्मजात प्रवृत्ति, जिसमें क्या होता है कि क्रिया के बिना जो हम लोग सीख लेते हैं ना, तो क्या होता है कि तो जन्मजात प्रवृत्तियां हो गई यहाँ पे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि वस्तुओं को, जैसे हम होता है ना कि मिठाई खाना, फल खाना, ये सब फल खाना, तो बच्चों की ये स्वाभाविक रुचि होती है। खिलौनों से खेलना, ये भी बच्चों की क्या होती है, स्वाभाविक रुचि होती है। हर बच्चे को देखिएगा कि खेल में इंटरेस्ट होता ही है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं जानेगा लेकिन खेलना है उसको, अकेले भी खेलते रहता है, तो ये सब क्या है, उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है, बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। देन आइए दूसरा इसका क्या हमने बोला, ये आपका पहला हो गया जन्मजात प्रवृत्ति, और दूसरा जो होता है वो होता है अर्जित प्रवृत्ति। अर्जित प्रवृत्ति, देखिए अर्जित प्रवृत्ति में क्या होता है कि जैसे देखिए ये है हमारा एक मूल रूप से जो इनहेरिटेड था या इनबॉर्न था, उसी प्रवृत्ति पर ये बेस्ड होता है कि अगर हम अर्जित करते हैं किसी भी इंटरेस्ट को तो वो बेस्ड होता है हमारे इनबॉर्न इंटरेस्ट पे, तो वो बेस्ड होता है हमारे किस पे, जन्मजात रुचियाँ पे। तो रंग बिरंगे जैसे बच्चे हैं वो रंग बिरंगी चीज़ों को देखते हैं, चित्रों को देख के बहुत आकर्षित होते हैं, है ना। अगर उसके सामने नॉर्मली कुछ रख दीजिए और कलर्ड वे में रख दीजिए, कलर्ड फॉर्म में, तो वो उधर ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। तो ये हो गया उनकी मूल प्रवृत्ति या मूल रुचि के कारण। एंड देन सेकेंड में अगर अर्जित करना हुआ, कोई बात आया कि चलो अब इसको सिखाना है पढ़ाई में ABCD सिखाने, तो अगर उसको कलर्ड फॉर्मेट में दे या फिर ऐसे टॉय के रूप में दे बना के कि कुछ ए के ऊपर कुछ लगा दे, है ना, बी को कैप पहना दे, तो मतलब ड्रामेटिकल वे में दे, तो बच्चा है ना वो जल्दी एक्वायर करता है उस चीज़ को। मतलब अगर हम अर्जित रुचि की बात करें तो उसमें भी हमारी इनहेरिटेड रुचि, है ना, जो जन्मजात रुचि होती है उसी को बेस, उसी को प्लेटफॉर्म बना के हम किसी बच्चे को किसी और रुचि को ग्रहण करने में मदद करते हैं। तो अर्जित रुचि के बारे में जैसे कि पढ़ने लिखने के बारे में या कोई भी गणितीय ज्ञान हो गया या फिर हिस्टोरिकल या फिर ज्योग्राफिकल, तो हर जितना भी अक्वायर जो हमें बाहर से दिया जाता है या फिर किसी बच्चे को किसी आवश्यकता के बाद जब किसी रुचि को अपनाने का मौका मिलता है, तो वो इसी हमारे जन्मजात रुचि को आधार बना के ही, है ना, कि उसमें क्या चीज़ यूज़ हो सकता है, उसमें हम क्या बच्चे को दे कि ये बच्चा ये सीख जाए। तो एक शिक्षा का वो कार्य होता है कि बच्चे को अगर किसी गुण को देना है, है ना, किसी व्यवहार को अर्जित करवाना है, तो उसको पहले उसकी मूल प्रवृत्ति, उसकी मूल रुचि और उसके मूल इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा, देन आफ्टर बच्चा उस दिए गए ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। देन इसमें क्या होता है, इसकी भी अब चार कैटेगरी होती हैं।
सुपर महोदय के अनुसार ही इसे भी चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला परीक्षित रुचि, पहला परीक्षित रुचि, परीक्षित रुचि, इसमें इस रुचि के अनुसार क्या होता है कि यदि कोई बालक गणित के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है या फिर इतिहास के विषय में प्राप्त करता है तो वो उसका अंक देखेंगे और प्लस उसका क्लास का परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर वो बच्चा मैथ्स में ही अगर अच्छा क्लास में परफॉर्मेंस दे रहा है एंड रेगुलरली अगर देखे कि उसका एग्जामिनेशन में मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एक टीचर या सामने वाला ये समझ जाता है कि बच्चे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस चीज़ को अगर कैटेगरी में डिवाइड किया तो ये भी एक अर्जित इंटरेस्ट का टाइप है और अर्जित इंटरेस्ट में भी परीक्षित इंटरेस्ट का टाइप है। दैट इज इसको हम बोलेंगे टेस्टेड, टेस्टेड इंटरेस्ट। टेस्टेड इंटरेस्ट में हो गया कि बच्चे के अचीवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पता लगाया क्या कि बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है ना। एंड देन अगर जिसमें कम है उसमें उसको और ज़्यादा फोकस दिया जाता है बच्चे पर, एंड देन उसमें भी बच्चे को फिर एवरेज बच्चा या फिर बहुत अच्छा बच्चा बना दिया जाता है उसकी खामियों को जानते हुए। देन ये परीक्षित रुचि हो गई है ना। और सेकेंड वन है प्रदर्शित रुचि, सेकेंड है प्रदर्शित रुचि। प्रदर्शित रुचि मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट में क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार को देख के ये जान लिया जाता है या पता लगा लिया जाता है कि बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। जैसे कि एक सेमिनार लगा दिया जाए, किसी बच्चे को देखेगा कि वो बहुत ध्यान से सुन रहा है, किसी को देखेगा कि किसी का ध्यान मतलब मोबाइल पे ही है या फिर बाहर पे है, बाहर की ओर देख रहा है, क्लास में उसका ध्यान नहीं है, उस सेमिनार में उसका ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे टीचर में ये स्किल्ड टीचर ये समझ जाते हैं कि बच्चे को यहाँ मन नहीं लग रहा है ना। सेमिनार में जिस टॉपिक पे बातें चल रही हैं उसमें बच्चे का ध्यान नहीं है, मतलब बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको हम किस कैटेगरी में डाल दिए, मैनिफेस्टेड दैट इज प्रदर्शित रुचि में, जो कि एक अर्जित रुचि का पार्ट है। देन अभिव्यक्त रुचि एक और पार्ट है इसका, अभिव्यक्त रुचि, अभिव्यक्त रुचि, एक्सप्रेस इंटरेस्ट है ना, एक्सप्रेस इंटरेस्ट। इसमें हम लोगों को हम लोग देखते हैं क्या कि जो पूछा गया अगर आपका जवाब आता है उसके आधार पे हम लोग समझते हैं कि आपकी रुचि किस में है। जैसे कि अगर किसी ने पूछ दिया कि क्या आपको शास्त्रीय संगीत में इंटरेस्ट है, तो उसके बाद जो आपका आंसर आता है ना, या फिर आपको खेलने में इंटरेस्ट है, या फिर अगर है तो किस खेल में है ना, क्या इस खेल में है, क्या उस खेल में है, तो जो हाँ या ना में जो आपका आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करें तो वो अभिव्यक्त रुचि होती है, वो आपके अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। तो ये भी एक अर्जित रुचि है जो आप समय के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और उसी के अकॉर्डिंग है ना, आप अपने जवाब को कंसर्न करते हैं, जिसमें आपकी रुचि होती है आप उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे पाते हैं। देन फोर्थ नंबर है प्रपत्रिक रुचि, फोर्थ है प्रपत्रिक रुचि। प्रपत्रिक रुचि इसको हम लोग बोलेंगे रिसर्च है ना, रिसर्च बेस्ड, या फिर हम इसको बोल देंगे इन्वेंट्री इंटरेस्ट। इसमें क्या है कि पहले रिसर्च करेगा है ना, मनोवैज्ञानिक सब है वो पहले रिसर्च करते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी व्यवसाय के संदर्भ में, या फिर आपकी रुचि ही जाननी है तो बहुत सारी रुचियां होती हैं, मतलब किसी को अगर टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो उनकी रुचि उस लायक है कि नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और इसको साइकोलॉजिस्ट है वो रिसर्च बेस्ड, उसके बाद जो भी परफॉर्मा तैयार होता है उसके आधार पे क्वेश्चन आंसर होता है, उसके आधार पे देखा जाता है कि ये जो प्रपत्र यूज़ हो रहा है ना, वो उस लायक है कि नहीं, या फिर अगर है तो ये इस प्रकार के आंसर में किस रुचि में बच्चा जाता है या किस रुचि में व्यक्ति जाता है। प्रपत्रिक रुचि ये अर्जित रुचि का एक पार्ट है।
इसकी अगर बात करें प्रपत्रिक रुचि की, तो ये 1999 में है ना सर्वप्रथम इसका प्रयास हुआ या प्रकाश में आया, सॉरी 1999 नहीं 1919 में। देन सबसे पहले 1919 में आया पूरे विश्व में, एंड देन भारत में 1956 में आया ये प्रपत्रिक रुचि, जिसमें जिसमें है क्या कि इलाहाबाद में सबसे पहले आया था, एंड देन 1958 में पटना के विश्वविद्यालय में आया। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे परीक्षणों को मिला के, जैसे बहुत सारे परीक्षण का नाम भी है, स्ट्रॉन्ग का व्यावसायिक रुचि परीक्षण हो गया, या फिर क्लिंटन का व्यावसायिक रुचि परीक्षण, क्रूडर महोदय, थर्नस्टन महोदय। तो रुचि परीक्षणों के आधार पर अगर रुचि आपके सामने आती है तो वो आपका अर्जित रुचि का एक टाइप्स हो गया, विच इज इन्वेंटोराइड रुचि और रिसर्च बेस्ड रुचि, है ना। इसमें अगर मैं एक दो रुचि की बात करूँ, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो ईके स्ट्रॉन्ग थे, ईके स्ट्रॉन्ग महोदय, उन्होंने जो रुचि परीक्षण किया था उसको बोला गया स्ट्रॉन्ग का व्यावसायिक रुचि परीक्षण। इसमें उन्होंने है ना टोटल 420 टर्म्स डाले थे, एंड उस टर्म्स में अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की अलग अलग रुचि अलग अलग ढंग से है ना कैटेगराइज किया था, जिसमें लॉयर को डाला, टीचर को डाला, मैथमेटिशियंस को डाला, फिजिशियंस केमिस्ट को डाला, है ना, और सारे व्यवसाय को शामिल किया गया। एंड देन इसकी सूची को आधा घंटे में भरने को कहा गया, उसके बाद 15 से 20 मिनट इसको जांच करने में लगी, और उसके बाद पता लगा कि हाँ भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले की रुचि जो है वो भिन्न भिन्न होती है ना, समान नहीं होती, अलग अलग रुचि रखने वाले ही अलग अलग व्यवसाय कर पाते हैं। तो ये प्रपत्रिक रुचि के माध्यम से पता लगा। देन अगर दूसरी रुचि की बात करें तो क्लिंटन की एक रुचि थी, उसमें भी टोटल 650 टर्म्स थे, उसमें भी स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग थे, एंड देन उसमें कहा गया कि हाँ, तो उसमें जिस बच्चे ने या जिस व्यक्ति ने अच्छे अंक प्राप्त किए मैक्सिमम जिस कैटेगरी में, उसको ये बोल दिया गया कि हाँ इस कैटेगरी में इसकी रुचि अधिक है। तो ये रिसर्च बेस्ड हुआ, रिसर्च पर हुआ, रुचि का जितना भी कार्य हुआ वो रिसर्च पर हुआ, है ना। तो ये तो रुचि के टाइप्स थे, एंड एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं इसमें, जैसे ज्ञानात्मक हो गया, अनुभवात्मक हो गया। तो अर्जित रुचि हम लोगों ने देख लिया कि चार टाइप्स के होते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जानेंगे कि होता क्या है पक्ष, है ना, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं हमारे इंटरेस्ट के। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक होते हैं ज्ञानात्मक एस्पेक्ट्स, पहले एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें तो तीन हैं, एक है ज्ञानात्मक, है ना, कॉग्निटिव इंटरेस्ट, उसके बाद है अनुभवात्मक, अनुभवात्मक, एंड देन क्रियात्मक, क्रियात्मक, है ना, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, है ना, उसके एक्सपीरियंसिव, एंड देन कॉग्निटिव, ये तीन है वो हमारे इंटरेस्ट के पक्ष हैं। ज्ञानात्मक में क्या होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे विश्लेषण, वर्गीकरण, चिंतन की प्रक्रिया, संश्लेषण, अवबोधन, है ना, चिंतन, चेतना, ये सब से रिलेटेड जो होता है इंटरेस्ट वो हमारे ज्ञानात्मक में होता है। अगर मैं पक्ष की बात करूँ, दृष्टिकोण की बात करूँ, इंटरेस्ट के दृष्टिकोण की बात करूँ, तो ये भावात्मक में आता है। देन जानने और अनुभवात्मक में क्या होता है, जानना और उसके बाद संवेग, कि अब हमने ज्ञान को अर्जित कर लिया, मन में जान लिया कि क्या होता है, देन हम अगर उसको संवेग के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो हमारा हुआ अनुभवात्मक इंटरेस्ट, एंड क्रियात्मक इंटरेस्ट हो गया क्या कि कार्य करने की इच्छा को जो जगा दे, है ना, प्रयोग में लाना, हमने हमारे पास जो रुचि है अगर हम उस चीज़ को प्रयोग में लाएँ तो वो हमारा क्रियात्मक हो गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, एंड what is the types of interest, what is the two basic types of interest, which was inborn interest and acquired interest, and acquired interest mein bhi humne uske char types ko dekhe, hai na, tested interest dekha, prashikshit dekha, then after hum logo ne dekha expressed and inventor type, to ye char type bhi hum logo ne dekh liya, to each and every part, each and every types of interest we have discussed for today class, then thank you students for today's